बदतमीजी बोला दा, इतनी बदतमीजी बोली ना इन्हें, कोई हिसाब नहीं। ये टोकरा चुकिया उधर मेरा सुटिया इन्हें दिखने वाला। देखो जंगले लगे दे, जंगले ला दे हूं। अस तो सब कुछ जाना है, 70 साल हो गया इधर लाते, 70 साल दीवे कोलरे कलबड़े बटे दिए हर एक। अज ये लड़ाइया ला दे साढ़े कने, ये मुड़ा आखा मैं 15 साल होया इधर आते, मैं तू सू मिलिया नहीं है, अस पैसे दिने 15-15 हजार रुपया दिने। ये दिख लो हूं, दसो सानू भी सारा भी मसला सुनना चाहिए नी। मेरी मां बहन ने मैं इन्हू मना नहीं कर रखी फड़ी ना लगा, अगर मेरी अगर अगर इन्हां दी फड़ी लगेगी तो मेरी भी लगेगी। मैंने कोई बात भी नहीं की, मैं कोई बात भी नहीं की, मेरी गल सुनो। इन्होंने फड़ी रखी, मैं फड़ी साइड ऊपर जरूर की, मैं फड़ी साइड ऊपर की, पर इन्होंने बहुत बदतमीजी बोलता है, बड़ी बदतमीजी बोलता है। मेरी बात सुनो, मैं क्यों बदतमीजी बोलूंगा, फलान है ठीक है, पूरा पूरा नहीं बोलिया पूरा गाल आप कटे। मसला कुछ नहीं है, मैं इतना काम करना, मैं फड़ी लगाना, मैं देखो आज इनांदा भी टाइम है, मैं कहना ए भी लगान मैं भी लगावा, पर मेरी गल सुनो ना, मेनू अगर नहीं लगान देंगे मैं कितने लावांगा। कहंदे ने परले पास ला ले, मैं कितने लावा परले पास, परले पास से जगह है लगान दी। एक बड़ा हंगामा इस समय जेके चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीवे बेच रही महिलाओं के साथ एक विवाद यहाँ पे हुआ है और यहाँ पर हंगामा होते हुए जी 50 साल से लगा रहे हैं, और ये यहीं पे लगाएंगे, 50 साल से लगा रहे हैं जी, मेरे पैदा होने से पहले से लगा रहे हैं जी, ये यहीं पे लगाएंगे, बाकी कोई फड़ी लगे ना लगे हमें कोई लेन देन। हाँ, इनकी लगनी चाहिए, किसी की इनकी लगनी चाहिए, हमारी नहीं लगनी चाहिए। पहले कल तक तो हम, कल रात तक तो हम इनके भाई बने हुए थे, अब दुश्मन हो गए। भाई की बात ही नहीं है, बदतमीजी करो, बदतमीजी बदतमीजी किसी ने नहीं करी, ये खुद बदतमीज है। सुबह धक्के दे रहा था मेरे को, ये मेरे को धक्के दे रहा था, धक्के किसने दिए, धक्के इसने दिए मेरे को, गलत बात है, गलत बात कोई नहीं बोला, ये लगेगा तू आया तू कल तुसी आज भी मेरी मां बहन वर्गी हो तुसी भी, ऐ आपे बोले कर देना, ऐ आपे बोले कर देना, मेरे को बोला तूने बोला, गरीब बंदा मैं भी, कोई अमीर नहीं है, मैं भी गरीब ही हां, मैं भी किस तरह अपना पेट कट के दित्ते दा। आओ काम जाब हो यारा, 12 आनियां मेरे को, मैं कुत्थे देना 50 हजार रुपया गरीब नहीं ना, मैं परंदी फकीर नहीं हां, बच्चे मेरे दिहाड़ीदार ना। मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, इनको अंदर जगह दी रहने, पार्क में रखने के लिए, मैं सामान रखने जगह नहीं, मेरी दुकान महिलाएं कितने साल हो, 50 साल से ऊपर जी, हाँ जी 50 साल से ऊपर लगा, ये भाई साहब अभी 5-7 साल हुए आए हुए हैं, मेरे को यहाँ रहते हुए 15 साल हो गए, मैं यहाँ से लगा रहा हूँ। म्युनिसिपैलिटी में म्युनिसिपैलिटी लगवाती है, नहीं ये भाई बंदी से लगती है, गरीब बंदे लगाते हैं खाते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन ये बात है आपस में आप लड़ोगे तो फिर किस तरह से, लड़ने की बात नहीं है, ये 20 दिन का काम होता है, दिवाली तक हम पुरानी मंडी वाले सारे मिलकर इनको कहते हैं लगाए यहाँ पे, क्योंकि हर बार लगाते हैं, हर बार ही लगाए, ये हमें कोई सकते हैं, ये जो की हर बार हर साल जो है वो लगाए जाते हैं, मगर आज ये माता दुखी है और यहाँ पर गंभीर आरोप जो है वो लगा रही है, वही आप पूरे पैसे दे रहे हैं, पैसे वाली बात आज मैं बोलूंगा, मैं ये रोजी रोटी सब नहीं, मैं बोलूंगा मैं देता हूँ 50 हजार रुपया, मेरी लगेगी फड़ी, पैसे की मैंने बात नहीं की, हर साल लगाते हैं ये आप लोग कर रहे हो, ना पैसे देते हैं ना कुछ देते हैं, ये बिना पैसे के लगाते हैं, ये मत बोलोगे आप, पैसे सुनो, ये रोजी रोटी सब की है, सुनो रोजी रोटी की बात नहीं, आप बोले पैसे देते हैं, ये भी लगाएंगे, आप ये थोड़ा बोलूंगा मैं 50 हजार रुपया देता हूँ इनको हटाओ, मैं लगाऊंगा 50 हजार, आप किसको देते हो, किसी को नहीं देते हम 50 हजार रुपया, बार बोला बार बार इसने बोला, हाँ अगर बार बार पैसे की बात आ रही है तो आप मेरे से बात करो, बोलो विक्की भैया बोलना है नहीं बोलना, दसो मैं ये मेरे से 1000 रुपए पर फड़ी के ये लेते रहे हैं, दो फड़ियां लगाते रहे 2000 रुपए में,
2000 रुपए पर डे का इन्होंने मेरे से लिया है, पूरे एक साल लिया, पूरा एक साल। ये बोलते हैं पैसे लिए, आप एक काम किस बात के पैसे ले रहे हैं? जब ये कोई पैसा नहीं दे रहा तो मेरे से किस बात के पैसे ले रहे हैं? मैं भी यहाँ कमाने खाया हूँ, बाहर से आया हूँ, ये बार बार मुझे उकसा रहे हैं बोलने के लिए। मैं बोलूंगा, मैं अब नहीं रुकूंगा। इसने ही मेरे से पैसे लिए 1000 रुपए पर फड़ी, 2000 रुपए रोज लेके मेरे से जाता रहा। तो विक्की ने लिए, इसने लिए, ये आदमी ने लिए पैसे, प्रूफ दसो, प्रूफ दसो क्यों? लेने वाला क्या प्रूफ देगा मेरे से? ये रोज रात को पैसे लिया था, पूरा बाजार गवाह है। 1000 रुपया एक एक फड़ी का, 1000 रुपया दिन का, दिन का 1000 रुपया देते हैं। ये शो कर रहे हैं, अगर बाहर से आए हैं 1000 रुपया देने के लिए तो कमा के कैसे बैठे अपने घर? हम भूखे रहे, हमारे घर में आटा नहीं रहा, हमने इनको दिया। अगर नहीं दिया तो अगले दिन उन्होंने मेरे से जोर जबरदस्ती करी। देख सकते हैं एक बड़ा विवाद यहाँ पर हुआ। ये माताएं जो हैं यहाँ पर दीवे जो है, आप एक काम कीजिए, प्रधान जी के व्यू लिए बताएंगे। जी जी प्रधान जी के पास ही आएंगे। सर ये क्या मसला चल रहा है? दीवे वाले नो डाउट कि ये बहुत पुराने आ रहे हैं यहाँ पे, और ये मसला ये है कि इनको भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि इनकी भी लगे रोजी रोटी, क्योंकि साल में एक बार ही आते हैं, मगर बाकी भी वाले भी जो हैं उनके साथ भी थोड़ा रास्ता बन जाए, गैप बन जाए, और सभी प्यार में होना चाहिए, बस आपसी प्यार में, और वैसा ही होगा। ये थोड़ा सा मसला थोड़ा सा खराब हो रहा है, मगर ये आपसी भाईचारे से ही होगा। वो बुजुर्ग माता कह रही हैं उन्हें काफी ज्यादा गालियां जो है निकल रही है, गुस्से में आके किसी ने कुछ बोला होगा, मुझे नहीं पता। मैं इनकी सपोर्ट में हूं ना, ये मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। माफी मांगता हूँ। नवरात्रों का पावन पर्व है, क्या बुजुर्ग माता को भगवान देख रहा है? मेरी बात सुनो, मैं बड़े बुजुर्गों को गाली नहीं निकालता, जैसे ये मेरी माँ बहन है। मैं मेरी बात सुनो, ये अपने आप ही बोल रहे हैं। अगर मैंने माफी मांगी तो मैं हाथ जोड़े माफी मांगता हूँ, पर मेरी बात सुनो, मैं हाथ जोड़े माफी मांगा, मैं मेरी फड़ी नहीं लगने दे रहे थे। मेरी बात सुनो, मेरे को जरूर गुस्सा है, पर मैं अपनी फड़ी लगा रहा था। इन्होंने कहा नहीं लगानी, हमारी लगेंगी। और मैंने कोई इंसान बदतमीजी नहीं करी, अगर बदतमीजी करी मैं माफी मांगता हूँ। माफी मांग रहे हैं। अगर इनको लग रहा है कि मैंने इन्हें गाली दी तो ये मुझे अपना बच्चा समझ के माफ करे, मैं माफी मांगता हूँ। तेरा बोला ना, मैंने तेरे से गलत नहीं बोला, तूने मेरे से बहुत मेरा मुंह गिना, कितना कुछ बोला। और मैं कोशिश कर रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में ये मैटर सॉल्व हो जाएगा, और गरीब आदमी आप सबका इस तरह का हंगामा रहा तो म्युनिसिपल कमिश्नर के तक ये बात जाएगी, तो किसी को भी यहाँ नहीं लगने पड़ेगी। अगर यहाँ पर आपके माध्यम से यही कहूँगा कि इनका मसला सॉल्व हो जाएगा, आप इसको यही थोड़ा सा क्लोज कर ले, क्योंकि जब ये हाईलाइट होगा तो नुकसान सबको होगा। बिल्कुल, हम भी नहीं चाहते कि जिस तरह से ये बुजुर्ग महिलाएं पिछले 70 सालों से दिवाली के पास पास यहाँ पर दीवे ये मटके जो हैं बेच अपनी गुजर बसर करते हैं, यानी कि मात्र 20 से 22 दिन का ये समय रहता है, और उसी बीच यहाँ पर विवाद जो है बड़ा देखने को मिला है। दुखद रहता है जब इस तरह की बात सामने आती है, तो आपसे भी अपील है कि इस तरह के विवाद जो है वो ना करें, और जो लोग इस समय में जो कि काफी मजबूरी का समय रहता है, लोग वैसे ही गरीब हैं और कुछ पल दिवाली तक मिलते हैं कि आप कुछ कमाई जो है वो कर लो, और उसमें भी इस तरह का हंगामा होगा तो किस तरह से ये चलेगा। तो यहाँ पे अब कोशिश की जा रही है कि आपसी भाईचारे में इस मामले को जो है वो सुलझाया जा सके, क्योंकि काफी बड़ा विवाद यहाँ पर हुआ है इन महिलाओं के साथ। पूरी प्राणी मंडी जो गोवा है कि 50 साल से ऊपर मेरे जन्म से पहले ही ये दिए वाले आते हैं, लगाते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं। दो सिर्फ उन्होंने 20 दिन लगाना होता है, 20 दिन के बाद खुद ही चले जाते हैं, फड़ी लगाए कोई कुछ करे। ये जो बोर्डर यहाँ पर जो और यहाँ के प्रधान ने मौका संभाला है ताकि दोनों पक्षों को जो है वो समझाया जा सके। पहले नवरात्रे पे इस तरह का हंगामा है जो है वो नहीं होना चाहिए। वो मैं गल मरना, सारे रोजी रोटी होती है, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो करो, कैंप प्रोवाइड करो आप। चलो तो नहीं, मैं कल जुड़े, अगर मैं लो आ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸਾਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਆ ਇਹ ਕਿਤਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀ ਇਹ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਅਬ ਸ਼ਰੀਬ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਕਵਾਸ ਮਤ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਲੋ ਇਹ ਪੀ ਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਾਸੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਫੜੀ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੋ ਮੇਰੇ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਰ ਗਾਲੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਾਲੀ ਕਰੋ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸ੾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਹੈ ਭਈਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਨਾ ਉਹ ਫੜੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ये मेरे हस्बैंड है इन्होंने पैसे लिए इनके छोटे छोटे बच्चे अगर ये झूठ बोले कि मैंने पैसे नहीं लिए ये मंदिर में आके खड़े होकर कहने कि पैसे लिए इसके बाद खुद खाने इनके पास इनके कमेटी के पैसे लेने हैं कहाँ से माल आया माल इनके पास है ही नहीं है हमारे से तो ले लेके खा रहे हैं हमारे से तो ले लेके खा रहे हैं वो अमीर आदमी है वो से को 1200 रुपए रोज पे फड़ी लगाई इसने रात को वो और देखो झूठ बुलवा रहे हैं उन लोगों से भी झूठ बुलवाएंगे वो मेनपुरी इटावा के रहने वाले हैं तमाशा बना रखा इसने लोगों से पैसे खाते झूठ बुलवा रहे इससे मैं मेरे थ्रू इस इंसान ने बात करी है मेरे थ्रू इस इंसान ने बात करी है झूठ बुलवा रहे झूठ बोल रहा है ये भी झूठ बोल रहा है ये फड़ी लगेगी ना इसलिए इस फड़ी के चक्कर में हमें मजदूरी दे रहे हैं 700 रुपए रोज की फड़ी इनकी है भाई हमारी नहीं हम तो मजदूरी पे लगे हुए हैं मजदूरी पे लगे हुए हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं और इसलिए बुलवा रहा है झूठ ये माल मैं दे रहा हूँ उनको लगाने के लिए मेरा काम यही है मैं माल देता हूँ मैं अपील करूंगा प्रधान जी आप इन्हें अंदर ले जाएं और बिठा के ये मामला जो है वो सुलझाए देखते रहे जेके चैनल मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत नमस्कार।